बागमती थाना क्षेत्र के सबलपुर स्थित स्टील प्लांट में गैस फटने के कारण 9 लोग बुरी तरह जख्मी हुए, जिनका इलाज अपोलो वन में हो रहा है, जिनकी अभी ड्रेसिंग भी चालू है, लेकिन परिवार में काफी आक्रोश व्याप्त है। लोगों का कहना यह है कि सरकार अविलंब कानूनी कार्रवाई करते हुए हमारे परिजन को मुआवजा दे, इलाज में जो खर्च होता तत्कालीन भरपाई करने का मांग कर रही है। वही कहना है, या गरीब परिवार से हम लोग आते हैं, मजदूरी करते हैं, अगर प्रशासन या फैक्ट्री सरकार कोताही बरतेगी तो आंदोलन करेंगे। कैसे हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? कंपनी में काम करते थे। कौन कंपनी? कौन कंपनी था? नील कमल कंपनी था। इनका है? ये कंपनी किसका है? बिना कैसे हुआ? भट्टी ब्लास्ट कर गया कि गैस सिलेंडर ब्लास्ट किया? नहीं, भट्टी ब्लास्ट कर गया। तो भट्टी कैसे ब्लास्ट? ब्लास्ट में इसकी बंद वाला सिलेंडर जो डाल दिया ना, सिलेंडर से हुआ। क्या नाम है आपका? नहीं कर सकते हम। हाँ, क्या कहना चाहती है? गया था ड्यूटी तो बच्ची उड़ गया था और बच्ची में जल गया था। और गरीब लोग हैं, मेरा पति के कोई भी जो कुछ हो सकता है, हम छोड़ेंगे नहीं। क्या सरकार से क्या मांग करती है? क्या मांग कर सकती है हम? मेरा पति का ठीक कर दीजिए, बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं मांग करते। अब फैक्ट्री किनका था? विनय सिंह का। उनका कानूनी कार्रवाई की मांग करती है? क्या नाम था पति का आपका? सत्येंद्र। आपका क्या नाम है? राधा देवी। हुआ था क्या, सबलपुर में फैक्ट्री है, उसमें लोहा मेल्ट होता है, ठीक है। अब वो भट्टी में कुछ रॉ मटेरियल जो काम कर रहा था वही लोग डाल दिया है, उसी में जो मेटल था वही ऊपर में फेंक दिया है। अच्छा। और उसमें जला हुआ है, 8-9 आदमी, इलाज चल रहा, सब ठीक है। किन की फैक्ट्री थी ये और क्या नाम है? फैक्ट्री तो सबलपुर में नीलकमल स्टील का नाम में जानते हैं। तो अब मालूम है कि फैक्ट्रियाँ बंद है अभी, तो कैसे काम चल रहा था? बंद कैसे है, स्टील प्लांट बंद करने के लिए कहाँ है? नहीं, वो चालू है। स्टील प्लांट के लिए सरकार की तरफ से कोई बंद नहीं है, स्टील प्लांट चालू है, अलाउ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मिश्रा जी हुआ। छुट्टी करता था, प्लांट उड़ गया था। कैसे उड़ा? अब कैसे उड़ा से तो हम नहीं जानते हैं, हम तो नहीं थे वहाँ। अच्छा। गैस सिलेंडर में था, सिलेंडर चल गया, सिलेंडर में चल गया, सिलेंडर उड़ गया। क्या मांग करते हैं सरकार से? मांग करते हैं कि हम क्या चाहिए, हमको आप क्या चाहिए, कितना दवाई में आप क्या चाहिए, दवाई चाहिए, दवाई कितना लेंगे उसको? दवाई चाहिए। और सीरियस है? क्या नाम था? सत्येंद्र। कितना उम्र होगा इनका? 25 साल। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां पटना सिटी के नदी थाना क्षेत्र स्थित सरिया फैक्ट्री में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया है। इस हादसे के बाद वहां मौजूद मजदूर घायल हो गए हैं। नदी थाना क्षेत्र में स्थित नीलकमल सरिया फैक्ट्री में स्क्रैप रखा छोटा खाली सिलेंडर ब्लास्ट हो जाने से करीब 9 मजदूर घायल हो गए हैं। इस हादसे के बाद घटनास्थल के आसपास अफरा तफरी का माहौल हो गया है। वहीं सिलेंडर फटने से आसपास के लोग भी फैक्ट्री के पास जमा हो गए हैं। कुछ लोगों ने पुलिस को इस घटना की सूचना दी। पुलिस की से सभी 9 मजदूरों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। बताया गया कि एक मजदूर की स्थिति काफी गंभीर है। यह हादसा कैसे हुआ अब तक इसकी कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। पुलिस मजदूरों से ही हादसे के संबंध में जानने की कोशिश करेगी। फिलहाल सभी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।